लिंग इरेक्शन के बारे में, टाइटनेस के बारे में 13 बातें मैं आज बताने वाला हूँ। शायद आपने सुनी होंगी, नहीं सुनी होंगी, जरा गौर से देखिएगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं एक मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फैक्ट नंबर 1, पेनिस जो है ये कोई मसल नहीं है, ये कोई स्नायु नहीं है, ये एक स्पॉन्जी टिश्यू है। उसमें दो कॉर्पोरा कैवर्नोजा है, नली वाले सॉफ्ट टिश्यू है, दो नलियाँ हैं और एक कॉर्पस स्पॉन्जियसम है, बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू है, स्पंज जैसा है। और जब इसमें अंदर ब्लड घुसता है, बॉडी में का खून अंदर जाता है ये नलियों में, तब इरेक्शन हो जाता है। कम से कम 150 से 200 ml का ब्लड इसमें अंदर घुसता है तो इरेक्शन होता है। जितना ज़्यादा ब्लड अंदर जाएगा उतना ज़्यादा कठोरता आएगी, और जितना कम जाएगा उतनी कम कठोरता रहेगी। इरेक्शन जो है वो नींद में भी आते हैं, और मॉर्निंग बिल्ड जो बोलते हैं, मॉर्निंग इरेक्शंस एकदम नॉर्मल है। नींद में टोटल आप 6 से 7 घंटे सोते हो तो 3 से 5 बार इरेक्शंस आपके नाइट में आ सकते हैं। तो ये है, पेनिस जो है वो मसल नहीं है और एक स्पॉन्जी टिश्यू है, उसमें हड्डी भी नहीं है। नंबर 2, फिटल इरेक्शंस, मतलब बच्चा जब माँ की कोख में रहता है, माँ के पेट में रहता है, तभी भी इरेक्शंस पाए गए हैं। और 7वां 8वां 9वां महीना जो है प्रेगनेंसी का, उसमें जब सोनोग्राफी किया तो सोनोग्राफी में, मतलब करीब करीब 250 माताओं की सोनोग्राफी किया, तो उसमें 9 बच्चों को, माँ के पेट में 9 बच्चों का इरेक्शन दिखा, मतलब इट कम्स टू 3.6%, और वो 8 से 10 मिनट तक था। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई सेक्स पार्ट जो है, इरेक्शन आ रहा है, मतलब सेक्स पार्ट जो है वो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जन्म के समय अप्रॉक्सीमेटली, एक स्टडी में अप्रॉक्सीमेट 20% बच्चों का इरेक्शन दिखा। तो ये फिटस इरेक्शन के बारे में शायद आपको मालूम नहीं होगा कि बच्चे कठोरता के साथ में ही पैदा होते हैं। नंबर 3, इरेक्शन जो है वो, जैसा मैंने पहले बताया कि स्लीप में होता है, और स्लीप में इरेक्शन यदि होता है, इसका ही मतलब आपको शारीरिक कोई बीमारी नहीं है, ना ब्लड वेसल की बीमारी है, ब्लड वेसल की मतलब खून की नलियां जो, उसकी बीमारी है ना, वो भी नहीं है, या बॉडी की कोई भी बीमारी नहीं है कि जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि यदि आपको इरेक्शन नहीं आ रहा है मगर नींद में आ रहा है, इसका मतलब जो है वो मानसिक प्रॉब्लम आपको है, शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 4, पेनिस के ऊपर छोटे छोटे कांटे जैसे दिखते हैं कुछ पेनिसों में, और वो एक्चुअली वो बिगर वेंस है, खून की जो नलियां हैं जिसमें खून रहता है, वेंस, तो वो नीले दिखते हैं, और वो नीली नीली नलियां दिखती है, और वो कांटे जैसे दिखते हैं, तो वो नॉर्मल है। और जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो रहा है, जितना ज़्यादा खून बाहर आ रहा है, मतलब काफ़ी सारा अच्छा ब्लड फ्लो हो रहा है ऐसा दिख रहा है, जितनी ज़्यादा खून की नलियाँ दिख रही है। नंबर 5, आपके जो कद है, आपका कद या आपके शू साइज जो है, उसके ऊपर पेनिस की लंबाई डिपेंड नहीं है। लोगों के मन में गलतफहमी है कि नहीं नहीं लंबा पैर यदि है तो लिंग भी लंबा रहेगा, या ऊंचा कद है तो लिंग की लंबाई ज़्यादा रहेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लिंग की लंबाई जो है वो एवरेज में, जब ढीला ढाला है तब एवरेज में 2-2.5 इंच ऐसी दिखी गई है, 1.5 से कम नहीं होना। और इरेक्ट पेनिस में जो लिंग की साइज है वो 4.85 इंच ऐसा एवरेज पाई गई है। अभी अभी जो स्टडी सामने आई उसमें उन्होंने बताया कि लिंग की लंबाई जो है वो 4.8 इंच थी पहले एवरेज में, अभी वो 6 इंच हो चुकी है। नंबर 6, ऑर्गेज्म जो है, मतलब चरम सुख की चरम सीमा जो मिलती है, जिस समय वीर्य बाहर फेंके जाता है तो सुख की चरम सीमा है, तो उसमें इरेक्शन होना पॉसिबल है क्या? मतलब लिंग टाइट रहा तो ही वो चरम सीमा, मतलब सुख की चरम सीमा मिलती है क्या, वो सीमा पे तक पहुंचता है क्या? तो ऐसा नहीं है, बिना इरेक्शन का भी, बिना टाइटनेस का भी लिंग में टाइटनेस कुछ भी नहीं है, और तभी भी ऑर्गेज्म हो सकता है, मतलब सुख की चरम सीमा तक वो व्यक्ति पहुंच सकता है, तो टाइटनेस जरूरी। 7वां जो पॉइंट है वो है पेनाइल फ्रैक्चर। क्या पेनिस में फ्रैक्चर हो सकता है? लिंग फ्रैक्चर होता है? यस होता है। उसमें हड्डी है क्या? नहीं, उसमें हड्डी नहीं है तभी भी फ्रैक्चर हो सकता है। क्या है कि जब उसमें 150-200 ml खून घुस जाता है और वहाँ की जो मसल्स है बहुत टाइट हो जाती है, और उस समय यदि उसको जोर से मोड़ा गया, दबाया गया, जोर से ऐसा कुछ तो भी किया गया कि जिससे वो
खट के आवाज आ जाएगा, खट कन आवाज आके जैसे कि हड्डी टूटी है वैसा आवाज आके वो फ्रैक्चर हो सकता है। और यदि ऐसा फ्रैक्चर हो गया तो बहुत दर्द होगा, टाइटनेस निकल जाएगा, लिंक ढीला हो जाएगा, हो सकता है कि खून भी आ जाएगा। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो तुरंत उसका इलाज करना जरूरी है, आपके डॉक्टर को मिलना जरूरी है। आठवां पॉइंट है शावर्स एंड ग्रोवर्स का। लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भी मेरा लिंग टाइट होने के बाद में लंबा होता नहीं है। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको शावर्स बोलते हैं, वो ऐसे लोग हैं कि जिनका टाइट होता है, कड़क होता है, अंदर जाने इतना कड़क होता है मगर लंबा नहीं होता, ढीलेपन में जितना है उतना ही होता है, उसको बोलते हैं शावर्स। और ग्रोवर्स जो है कि उनका जो साइज ढीलेपन में उससे काफ़ी लंबाई उसकी बढ़ जाती है जब वो टाइट हो जाता है, तब तो उनको ग्रोवर्स बोलते हैं। सो शावर्स एंड ग्रोवर्स कोई ख़राब है क्या? नहीं, ये नेचुरल है और इसमें भी कोई चिंता का बात नहीं। इरेक्शन आना जरूरी है और इजैकुलेशन होना जरूरी है, आनंद मिलना जरूरी है। वो समझो लंबा नहीं होता चलता है, क्योंकि मैंने पहले बताया है पहले वीडियो में कि भाई आपका डेढ़ इंच भी लंबा रहा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वजाना में योनि को बाहरी डेढ़ इंच हिस्सा ही सेंसिटिव है, संवेदनशील है। नौ जो पॉइंट है वो है कॉन्फ्लिक्स के बारे में, मतलब मका। तो एक स्टडी में ऐसा पाया गया कि जिनको बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की लत है, हस्तमैथुन की लत है, तो वो लोगों को ब्रेकफास्ट में मका दिया गया कॉर्नफ्लेक्स, और उनको उनका लिबिडो जो है वो कम हुआ। तो कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका लिबिडो मतलब मास्टरबेशन का जो प्रॉब्लम किसी को लगता है तो उसकी इच्छा कम हो जाएगी और मास्टरबेशन का जो उसकी जो हैबिट है वो कम हो जाएगी। दसवां जो पॉइंट है वो स्मोकिंग का। क्या है कि स्मोकिंग जब आप करते हैं, टोबैको है उसमें निकोटीन है, और निकोटीन से खून की जो नलियाँ हैं उसका अंदर का अस्तर जो है वो मोटा हो जाता है, और जिसके वजह से पेन इसमें खून पहुंचता नहीं है। टोबैको खाने वाले लोग हैं और स्मोकिंग करने वाले लोग जो है उनका इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, और उन्होंने वो तुरंत बंद करना चाहिए क्योंकि टोबैको इज इंजूरियस टू सेक्सुअल फंक्शन। ग्यारह जो पॉइंट है वो है इरेक्शंस ऑकर बिफोर यू डाई। क्या मरने के पहले इरेक्शन होते हैं? हाँ, ऐसा दिखाया गया है कि जब आदमी मरता है, डेथ हो रही है उसकी, तभी भी कुछ बॉडीज में इरेक्शन दिखा। फिर एक ऐसा क्या होता है, ऐसा स्टडीज़ की गई कि उसमें मालूम पड़ा कि सेरेबेलम जो है वो छोटा जो भेजा है तो उसको यदि मार पड़ती है, या जो एक्साइटेटरी सेंटर है स्पाइनल कॉर्ड में उसको मार पड़ती है तो उससे डेथ हो गई समझो, तो उस समय इरेक्शन आ सकता है। मतलब सडन डेथ है, ट्रॉमेटिक डेथ है, और ऐसा ट्रॉमा हो चुका है जिससे भेजे को या स्पाइनल कॉर्ड को मार पड़ी है, तो डेथ होते होते इरेक्शन आ सकता है, दैट इज़ अ रिफ्लेक्स इरेक्शन। बारहवां जो पॉइंट है वो है कि इरेक्शन जो है वो आपके बॉडी में तो होता ही है और माइंड में होता है। इसके मतलब ये है कि बॉडी तंदुरुस्त होना, फिट होना जरूरी है इरेक्शन के लिए, उतना ही माइंड जो है वो तंदुरुस्त होना, ठीक होना जरूरी है। यंग लोगों में, जवानों में जब इरेक्शन का प्रॉब्लम आता है, कठोरता आती नहीं है, समझ लो कि 70-80% लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जवानी में। 35-40 साल के बाद में यदि इरेक्शन का प्रॉब्लम आता है, टाइटनेस नहीं आता है, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम फिजिकल मतलब शारीरिक हो सकता है। तो दोनों भी फिट रहना जरूरी है। 13 पॉइंट है सर्कमसीजन से क्या कोई फ़र्क पड़ता है इरेक्शन में? तो सर्कमसीजन से कुछ फ़र्क ऐसा पड़ता नहीं है। सर्कमसीजन मतलब सुनता करना, खतना करना, कोई धर्मों में तो नॉर्मल है, उसमें ज़्यादा कोई सेंसिटिविटी होती नहीं है या उसमें कोई लॉस ऑफ इरेक्शन होता नहीं है। सर्कमसीजन ये नॉर्मल प्रक्रिया है, और यदि फाइमोसिस हो गया, फेराफाइमोसिस हो गया, तो उसके बाद में सर्कमसीजन करते ही है, तो ये नॉर्मल है, उससे ना सेंसिटिविटी कम होती है ना ज़्यादा होती है, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये 13 पॉइंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको इससे काफ़ी सारा मालूमात हो गया होगा, और आपको काफ़ी सारे सेक्स एजुकेशन में आपकी मतलब उसमें कुछ प्रोग्रेस हुई होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।